हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस की बहुत डिमांड चल रही थी, बीच में हमने छोड़ भी दी थी क्योंकि बीच में लॉकडाउन के चलते नहीं पढ़ा पाया मैं साइंस, पर अब मैं साइंस आपको कंटिन्यू करने वाला हूं। सबसे अच्छी बात है कि भाई ये किस एग्ज़ाम में काम आएगी। आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ाम में अब साइंस काम आती है। पहले तो बता दूं कि जहां भी जीके आती है वहां पे एक चौथाई या एक पांचवा हिस्सा, 20% 25% हिस्सा हर जीके में हिस्सा होता है साइंस का। ठीक है, जीके में हर जगह। और जहां पे मान लीजिए जीके छोड़ो, जीके में तो रहेगी ही रहेगी, पर कहीं कहीं तो ये है इसका स्पेशली रोल है। जैसे ग्रुप डी की बात कर दूं मैं रेलवे में, तो वहाँ ये आनी आनी है जिसका आप सब लोग फॉर्म भर चुके होंगे। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस जो AWO के फॉर्म निकले थे उसमें भी साइंस एक स्पेशल सब्जेक्ट है जहाँ 25 मार्क्स की सिर्फ साइंस आएगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री AWO में। तो वहाँ बहुत रोल है। और अगली बात करूँ, DRDO में भी, MTS में भी साइंस है स्पेशल सब्जेक्ट। और भी बहुत सारी जगह एक्स ग्रुप वगैरह या जहाँ भी साइंस आती हो हर जगह ये उतना ही काम करेगी। जैसे सुपर टेट वगैरह यूपी में होता है तो वहाँ भी साइंस का बहुत रोल है, और सब कुछ यहीं से आएगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ आज फिजिक्स में, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो, इसको मैकेनिकल के अंदर ये पार्ट आता है, यानी मैकेनिकल फिजिक्स आप बोल सकते हो, वही चल रहा है, ठीक है। तो हर जगह मतलब इसका रोल है, कहीं भी ये आती है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही साधारण शब्दों में, जिन लोगों ने साइंस को आज तक छुआ भी नहीं है उनको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन साथ में क्या करना है आपको, प्रैक्टिकली फील करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली फील खुद करवाऊंगा, ठीक है। आपको कोई अलग से दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहता रहा हूं वो दिमाग में आप सोचते रहना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी एनर्जी जब समझाऊंगा। वर्क में तो मैं ऐसे ही आपके दिमाग में घुसा दूंगा वर्क को। तो वर्क होता क्या है, तो जरा देखिएगा दोस्तों, बस 5 मिनट देख लो, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा इस वीडियो में। तो देखिएगा जरा कि कार्य क्या होता है। कार्य ये है बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना, जो परिभाषा लिख दिए कार्य कहलाता है। मतलब किसी चीज पर हम बल लगाएं, बल कैसा, अपना जोर लगाना, ठीक है। किसी चीज पर हम बल लगाएं, मान लीजिए पेन यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है और ये मैंने इधर को खिसका दिया, तो बिगर बल लगाए तो नहीं खिसकेगा, बल से ही खिसकेगा। तो ये जो खिसका है तो ये काम हो गया, बल लगाने पर बल की दिशा में ही जो काम हो वही काम है। आपके बल के विपरीत दिशा में भी काम हो सकता है क्या, होगा, बताऊंगा वो भी। वो ऋणात्मक धनात्मक यानी पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क भी होते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लो कि बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। अर्थात इसके मूल स्थान क्या है, ये पेन यहाँ रखा है और अगर मैं इसको इधर को खिसका दूं तो मूल स्थान से थोड़ा बहुत विस्थापित हो गया, यही विस्थापन है, ठीक है। किसी एक निश्चित डायरेक्शन में खिसके वही विस्थापन होता है। विस्थापन और दूरी का बहुत अच्छे से मैं आपको मतलब समझा चुका हूँ, ठीक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि कार्य की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जब तक ये चीज़ आप ये समझ लो कि यहाँ पे एक बहुत भारी चीज़ हो, और मान लो इसमें 1 क्विंटल वजन हो, मैं इसमें कितना भी जोर लगाता रहूं, अगर ये अपनी मूल अवस्था से जरा सी भी नहीं खिसकती तो मैं कह सकता था कि काम हुआ, नहीं। मान लीजिए कि दीवार है और दीवार में मैं जोर से धक्का लगाता रहूं और धक्का मारते मारते मैं पसीनों में चूर हो जाऊं बिल्कुल, क्या कोई बता पाएगा कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है? कोई कहेगा बिल्कुल नहीं हुआ, आपने किया क्या, चीज वही थी, वही की वही रही, कुछ भी नहीं हुआ ये तो, ठीक है। तो वो सब नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, वो कार्य नहीं है। कार्य के लिए जरूरी है चीज थोड़ी बहुत अपनी स्थिति से डगमगाए, वही काम होता है, ठीक है। चलिए, बल और कार्य में इतना सही फर्क है, बल तो आपने लगाया दीवार में लेकिन कार्य नहीं हुआ, ठीक है। चलिए,
तो बल द्वारा किसी चीज को मूल अवस्था से विस्थापित करना, हटाना, उसको मूल अवस्था से कार्य कहलाता है। अब कार्य एक अदिश राशि है। अब अदिश क्या होती है, सदिश क्या होती है, बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ पहले। अब अदिश फिर से बोल देता हूँ, अंग्रेजी में बोलूँ तो इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अदिश राशि वो होती हैं जिनको बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत ना पड़े, जिनको नापने के लिए दिशा की जरूरत ना पड़े। अरे काम हुआ है, बात ये है खिसकी है अपनी जगह से, और अपनी जगह से चाहे वो इधर खिसके या इधर खिसके वो बात अलग है। कार्य ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन काम तो हुआ क्योंकि खिसकी तो सही। तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, बस काम के लिए बस ये बता दो कि कितना हुआ है, दिशा बताने की जरूरत नहीं है। बल के लिए दिशा जताने की जरूरत है, आपने बल किधर को लगाया इस पे तो वहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बल वेक्टर क्वांटिटी है और सदिश राशि है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब कार्य का सूत्र फॉर्मूला हम बल से ही बनाते हैं। बल गुणा विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या हो डिस्टेंस तो मैं इसको नहीं कह सकता, विस्थापन ही कहूँगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, आगे क्या बोल सकते हैं। देखो अब ये जो चीज़ है कि इसमें बल में अगर मैं विस्थापन की गुणा करूँगा तो ही कार्य आएगा। मान लीजिए किसी ने 10 न्यूटन बल लगाया, क्योंकि बल का मात्रक है न्यूटन, और वो 5 मीटर चीज़ खिसक गई। बल को कैसे नापते हैं, उसके भी नापने के तरीके हैं। F बराबर ma या mg, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। बल को ऐसा नापा जा सकता है कि कितनी भारी चीज़ है और कितनी गति का परिवर्तन हर सेकंड में उसका हो रहा है। उन दोनों की गुणा होती है, जो आप बल लगा रहे हो उसकी गति में कितना परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, वही तो त्वरण होता है, तो उनकी गुणा से ही बल नापा जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम नापते हैं न्यूटन में और इसको नापते हैं हम विस्थापन को मीटर में, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाता है। किसका, कार्य का। और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल। ऐसा ही मात्रक किसका, कार्य का न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है एफ का न्यूटन और इसका मीटर, और न्यूटन गुणा मीटर, याद रखना न्यूटन गुणा मीटर को ही जूल बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात करता हूँ डायमेंशन की, विमा की। ये निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ प्रश्नवाचक लगा दिया है। अब निकालना क्या सिखा रखा है जी, अब हमने सीखा है कि W बराबर F इंटू डी होता है। ठीक है, और F इंटू डी होता है, तो F को भी तो मैंने सिखाया है आपको M A या MG जैसे भी आप कहो। ठीक है, और इंटू डी, भाई F की जगह M और MA A इंटू डी। अब तीन ही चीज होती हैं, किसमें किसमें, जब भी विमा में, या तो M होगी या L होगी या T होगी, MLT में इसका आंसर देना है। तो जो भी हमारा द्रव्यमान होता है उसको हम M बोलते हैं, कैपिटल द्रव्यमान को। ठीक है, अब ये A, A जो है A को फिर तोड़ना पड़ेगा। A होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर को क्योंकि लंबाई का मात्रक है तो L लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्योंकि समय का मात्रक इसलिए टी लिखा जाता है, तो एम एल, देखो ए के लिए लिख रहा हूं एम एल इसको, क्योंकि ये मीटर और मीटर है लंबाई का मात्रक, एल लिख दिया, एल फॉर लंबाई, लेंथ जो भी कहो। और एस सेकंड, सेकंड स्क्वायर, सेकंड टी का मात्रक, लेकिन ये बटे में है इसलिए टी की पावर -2 करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। और दोस्तों अभी तो मैंने एम लिया है, ए लिया है, इससे ये आ गया, अभी डी तो लिया ही नहीं। डी क्या है, विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, अर्थात ये भी मीटर में ही नपती है, तो लंबाई को भी एल फिर से ले दूंगा, अर्थात एक और एल लिखने के बजाय इसको स्क्वायर कर दूंगा। तो कार्य का डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो एम एल स्क्वायर T
टी की माइनस दो, ये आप बोल देंगे। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको कोशिश की है कि कार्य का क्या मात्रक होता है, क्या डायमेंशन होती है, क्या उसकी परिभाषा है और क्या उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि कार्य का एसआई मात्रक तो होता है जूल, लेकिन सीजीएस मात्रक कोई पूछने लगे कार्य का, ये भी पूछा जा सकता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, यानी ये बहुत छोटी होती है। एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति बोल देते हैं, वो मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, तो वहाँ उससे बहुत छोटी है। तो इसमें कार्य का मात्रक कोई पूछेगा तो अर्ग बोलेंगे। ये नोट डाउन कर लेना कि कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। और एक बात और बोल दूं कि अर्ग और जूल का क्या रिश्ता आपस में, अर्ग और जूल का रिश्ता मैं यहां लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है। एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्ग, क्योंकि अर्ग तो बेचारा बहुत छोटा है, एक जूल में इतने अर्ग होते हैं। तो अर्ग पता लग गया आपको कितनी छोटी सी राशि है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, और इससे ज्यादा क्या पूछेगा बेचारा कार्य से आपसे, ठीक है। अब एक जूल कार्य कितना होता है, खुद आप यहां से फॉर्मूले से बता सकते हो कि W का मान एक कब आएगा। एक जब आएगा जब एक न्यूटन तो बल लगे और एक ही मीटर वस्तु खिसके। तो वही बात यहां लिखिए, यदि कोई वस्तु, भाई एक गुणा एक होगा तभी तो एक जूल आएगा। तो जब कोई वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में एक मीटर विस्थापित हो तो वो एक जूल कार्य कहलाता है। कितनी आसानी से हमने कह दिया है, ठीक है। और बल का भी देखो, न्यूटन मात्रक होता है एसआई पद्धति में, सीजीएस में बल का भी होता है, वो क्या होता है डाइन, बता दूं अब हाथ के हाथ ही, सॉरी डाइन ऐसे लिखना है, डाइन डाइन, और डाइन डायन मत कर देना, डायन वो भूतली वाली डायन वो नहीं है, डाइन है। और डाइन और आपके वो न्यूटन, इन दोनों में भी कोई रिश्ता होगा, हाँ, एक न्यूटन बराबर उससे थोड़ा कम, 10^5 डाइन। तो ये भी आप याद रख लेना, सीजीएस पद्धति का बल का मात्रक डाइन होता है। बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। देखो कार्य और टाइप्स बताता हूँ कार्य की क्या क्या होती है, ठीक है। देखिए सारा कुछ आपके बुक कौन सी यूज करें, कहाँ लिखा हुआ है, बुक मेरी अपनी वाली ही आ रही है मार्केट में, लॉकडाउन के चलते वो भी लॉक हो गई है, जहाँ भी दुकान पे रखी थी वहीं रखी हुई है, अभी कहीं जा ही नहीं रही आगे, ठीक है। कहीं से तो एक जगह से उठती होंगी, वहां से उठ ही नहीं पा रही है, कहीं दुकानें नहीं खुल रही है, कोई जल्दी भी नहीं है, तब तक आप इन चीजों को ऐसे ही पढ़ते रहें, बुक आएगी बस ऐसे पेज पलटोगे फिर आप, ठीक है। तो ये सारी बुक मैंने अपनी से ही लिखा है और सब कुछ शामिल कर रखा है उसमें, ठीक है। इतनी सिंपल भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप देखो टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कार्य के प्रकार, कार्य के भेद, ये क्या चीज है। धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ये अभी बताया था मैंने कि ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव काम भी होते हैं। वहीं बता रहा था कि जिस दिशा में बल लगाओ ऊपर को और वस्तु भी ऊपर को ही खिसके विस्थापित हो, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं कि वो धनात्मक काम है। मान लो मैं इस वस्तु में इधर को बल लगाऊं और ये इधर कोई खिसकना शुरू कर दे तो मैं कहूँगा कि पॉजिटिव काम हो रहा है, ठीक है। अब आपको इतना भी पता होगा कि जो धरती माता है हमारी, जिसको हम बोलते हैं माता जी, तो ये जो धरती माता है ये भी नीचे एक बल लगाती है। न्यूटन ने बहुत पहले ही बता दिया था, ऐसे ही लॉकडाउन का शिकार था, कोई महामारी थी उसमें ही तो खोजा था, तभी तो सेब गिरा और ध्यान गया क्योंकि थाली बैठा हुआ था, ठीक है।
तो भाई नहीं तो हम भी तो सामने पत्ते कितने गिरते हैं, कितने सेब गिरते हैं, कितने नित्य प्रक्रियाएं होती हैं, हम कभी ध्यान देते हैं उन पर नहीं, पर लॉकडाउन में घनाई ठाली था इसलिए उन्होंने ध्यान दे दिया। अच्छा सेब गिर गया, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बताओ, ऐसी ऐसी बात सोच लिया। और न्यूटन को पिता बोल लेते हैं इस पूरे फिजिक्स का इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही एक गुरुत्वीय बल का पता लगाया कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। आइंस्टीन कितने बड़े वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन आपको न्यूटन बड़ा है, आइंस्टीन ने खुद कहा है कि अगर न्यूटन साहब नहीं होते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूटन के कंधे पे पैर रखकर ही मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, अर्थात नहीं तो जो न्यूटन ने खोजा था मैं आज भी वही कर रहा होता, तो मतलब न्यूटन की खोज और महान होगी, इसलिए पिताजी बना दिया फिजिक्स का न्यूटन को। बात समझ में आ रही है, चलिए। तो धनात्मक कार्य F into D होता ही है, जिधर को बल लगे उधर ही वस्तु खिसके तो धनात्मक कार्य माना जाएगा। ऋणात्मक कार्य जिधर को बल लगे वस्तु के अपोजिट, मतलब बल के अपोजिट वस्तु चली आए। जैसे मैं मान के चलूं कि देखो कोई भी एक भारी सामान है, अगर मैं उसको ऊपर उठाऊंगा तो सीधी सी बात है कि धरती माता फिर कोशिश करेगी कि नहीं नीचे ही रहे, क्योंकि वो बल। अगर आप देखिए किसी वस्तु का वजन आपको क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि उसको धरती माता ने अपनी तरफ खींच रखा है, क्योंकि वजन जो होता है W = mg होता है, अगर मान लो धरती माता गुरुत्वीय त्वरण ये बल जीरो हो जाता तो आपको, तो W क्या मतलब कोई भी चीज वजन, W वेट है, वेट बराबर mg, और G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, अगर यही चीज जीरो हो जाती तो आपको वस्तु का वजन ही नहीं लगता, सीधी सी बात है, क्योंकि mw = 0 हो जाता, तो मतलब इसके लिए लगता है क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रही है। अब खींच रही है तो आपने तो उसके अपोजिट बल लगा दिया कि नहीं, पृथ्वी के, अब देखिए नेगेटिव कब लगता है, वही समझा रहा हूं कि गुरुत्वीय बल ने क्या, आपने कट्टा ऊपर उठाया, गुरुत्वीय बल नीचे खींच रहा था, तो गुरुत्वीय बल ने नगण्य काम किया या नगण्य, आपने तो पॉजिटिव काम किया, आपने तो बल ही उससे ज्यादा लगा दिया, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो गुरुत्वीय बल तो नेगेटिव हो गया, गुरुत्वीय बल का काम तो नेगेटिव हो गया, वो तो बेचारा नीचे काम करवाना चाह रहा था, आप उसको ऊपर ले आए, ठीक है, आपने तो पॉजिटिव कर लिया क्योंकि आप भी तो बल लगा रहे हैं, आपका काम पॉजिटिव है, लेकिन गुरुत्वीय बल तो बेचारा नेगेटिव में चला गया ना। अब बात करूं घर्षण बल की, क्या इस पे भी एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, हाँ। अब देखिए आप जा रहे हो, अब जा रहे हो तो आपका बैलेंस कौन बना के रख रहा है, घर्षण बल, अगर ये ना होता हर आदमी रिपट के गिरता, केले का छिलका आ गया आपके आगे और आप फिर भी रिपट के गिर गए, घर्षण बल के अपोजिट काम कर दिया। देखिए आप रिपट के यूं गिरे हो, भाई केले का छिलका, फिसलते कैसे, पीछे को थोड़ी फिसलते हैं ऐसे, और हम जाके गिरे पीछे को ऐसे धड़ाम से, तो ऐसे काम किया बल ने, जबकि घर्षण बल क्या होता है, आप यूं जा रहे हो तो वो पीछे को लगता है, और उस बल ने ज्यादा काम कर दिया, घर्षण बल का काम कम रह गया, तो घर्षण बल ने नगण्य काम, क्योंकि वो काम आगे का ज्यादा हो गया इसलिए वो बेचारा फिसल गया, ठीक है। तो फिसलते टाइम घर्षण बल का काम नगण्य होता है और चीज को ऊपर उठाते टाइम गुरुत्वीय बल का काम नगण्य होता है, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है और गुरुत्वीय बल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और अगर इनके द्वारा किए गए कार्य नगण्य कैसे हो गए, समझ में आ गई। अब शून्य कार्य और आपको समझा देता हूं, क्या काम जीरो भी हो सकता है कभी, हाँ हो सकता है। देखिए पहले तो यही बता दूं कि W = F × D होता है, अगर इनमें से कोई एक चीज जीरो हो जाए, या तो आप बल ही ना लगाएं, चीज कितनी भी खिसक जाओ, हवाई खिसका दे, कोई बल ही नहीं लगा, मतलब कोई बिना बल के ही वस्तु खिसकती जा रही है तो भी काम उस पर जीरो ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने बल लगाया ही नहीं। और
अगर आपने खूब बल लगाया, जैसे इस दीवार पे खूब बल लगाऊं और ये खिसकी नहीं बिल्कुल भी, तो भी W बराबर जीरो हो जाए, कोई एक चीज जीरो होने पर। पर कई बार एक और इसको कंप्लीट फॉर्मूला लिखूं, ये कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट और कर दिया जाए तो इसमें एक ये फॉर्मूला हो जाता है W बराबर FD cos थीटा। तो ये भी आपको रटना पड़ेगा क्या? हाँ, कई बार चीजें ना डिग्री पर भी डिपेंड करती हैं। तो काम शून्य हो सकता है यदि बल और विस्थापन लंबवत हो जाएं, अर्थात परपेंडिकुलर हो जाएं, अर्थात बल यूं लगे और चीज इधर को खिसके। ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, गुरुत्वीय बल लगाता है नीचे को जोर और ये लेके चल रहा है बल को इधर। तो ऐसा होगा जब कुली मान लीजिएगा अपने सर पर वजन उठा के चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो वो तो जो उसको वजन क्यों लग रहा है? क्योंकि नीचे एक बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी तो लगातार अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा बल लग रहा है। अब बहुत ज्यादा वजन है तो पृथ्वी और ज्यादा ढंग से खींच रही है, इसलिए उसको और ज्यादा वजन लग रहा है। तो दोस्तों, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। तो जब भी कुली अपने सर पर वजन लेके चल रहा है, चाहे वो कितना भी वजन हो, तो काम उसके द्वारा जो किया गया काम है वो हमेशा शून्य काम होगा। बताओ कितनी बड़ी बात है कि कुली ने इतना तो वजन यहां से उठा के वहां पहुंचा दिया, काम फिर भी शून्य क्यों? फिर ये आ जाते हैं cos थीटा भाई साहब। कैसे? W बराबर F इंटू D। मान लीजिए कुली साहब ने खूब बल लगाया 10 और वो दूर भी ले गए, मान लीजिए 50 मीटर दूर भी लेके चले गए सामान को, लेकिन cos थीटा क्या रहा? नीचे जो बल लग रहा था और ये जो लग रहा था, ये जो जा रहा था ऐसे, तो ये 90 डिग्री, cos थीटा जीरो, क्योंकि cos 90 का मान जीरो होता है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी जानते हो तो जीरो, इसलिए काम पूरा हो जाता है जीरो। हाँ, ये कुली बेचारा जो जा रहा था प्लेटफॉर्म पे, और मान लीजिए जा रहा था, ये देखो ये कुली, यहाँ प्लेटफॉर्म है, यहाँ ऐसे चल रहा कुली, ऐसे ये चल ले कुली साहब, इनके वजन है सिर पे। अब मान लीजिए ये बेचारे गिर जाए ठोकर खा के, तब काम हुआ है। अब देखो काम कितना हुआ है, अब बेचारे ठोकर खा के गिर गए, सामान यहां गिर गया, अर्थात पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी जो बल लगा रही थी वो बल ने अपना काम कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया। अब काम शून्य नहीं है, अब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि अब धरती पर ही आ गिरा तो अब 90 ही नहीं रहा, अब तो cos 0 हो गया और cos 0 का मान 1, फिर पूरा काम है। बताओ कैसी कैसी साइंस है, कैसी कैसी बात है, क्योंकि फिर cos 0 हो जाएगा, धरती पे ही गिर जाएगा। तो ठीक है, चलो ये तो आपके इंटरेस्ट के लिए बताई। और देखो एक दूसरी बात भी और बताता है, ऐसे ही जब हम किसी मोड़ पर मुड़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, जब हम किसी मोड़ पर मुड़ते हैं तो हमारी साइकिल टेढ़ी सी हो जाती है, फिर भी वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? देखो आप ऐसे जा रहे हो और यूं मुड़ जाओ तो साइकिल का यूं हो जाओगे बिल्कुल, क्योंकि उधर ना ऐसे ऐसे आप ऐसे मुड़े और तिरछे हो गए, उधर को एक बल काम कर रहा, उसने थामे हुए आपको, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं उसको, जिस बल ने थामा हुआ है आपको, ठीक है, जिस बल ने आपको थामा हुआ है उसके विपरीत एक बल काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हो, तो अभिकेंद्रीय बल भी काम करता है, और ये भी इसी तरह से ही उदाहरण के तौर पर जब कहीं मुड़ते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री पर एक बल काम करता है, तो वहां भी काम शून्य माना जाता है। चलो आगे बढ़ सकते हैं अब हम, और अब मैं आता हूं ऊर्जा पर, क्योंकि कार्य मैं आपको ढंग से सिखा चुका हूं कि कार्य क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके मात्रक क्या है, उसकी विमा यानी डायमेंशन क्या है, और ऋणात्मक या पॉजिटिव या नेगेटिव कार्य क्या होते हैं, और जीरो काम कैसे हो सकता है, कॉस का क्या रोल होता है 90 डिग्री पर। तो अब आपको समझ में आ गया W बराबर FD cos थीटा, इसलिए वो 90 पर जीरो हो जाता है लंबवत होने पर। चलिए अब ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि ऊर्जा बराबर ऊर्जा, ऊर्जा देखिए अदिश राशि है, ऊर्जा क्या है,
अधिस राशि है, क्योंकि काम भी क्या है, एक अधिस राशि है। काम और ऊर्जा के मात्रक भी सेम, सकल भी सेम, सब कुछ सेम, कुछ थोड़े बहुत से अंतर हैं, उनको हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य खत्म ऊर्जा और पढ़ रहे, शक्ति इतना सा बस, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कितनी आसानी से। अब आप देखिएगा जरा, किसी वस्तु व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, इसका मैं फॉर्म परिभाषा बता रहा हूं, डेफिनेशन बता रहा हूं। काम की क्या थी डेफिनेशन, वो आपने पढ़ ली थी, लेकिन यहां समझ लीजिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक आदमी ऐसे भरा पड़ा और तना खड़ा यूं, अजी कुछ भी करवा लो, उसमें एनर्जी, ठीक, करा नहीं है उसने कुछ भी, अजी कुछ भी करवाओ, बताओ जी पानी लाऊं, भक्के लाया, वो है उसमें एनर्जी। एक ही है, कर लेंगे जी, तुम दोगे तो मने थोड़ी होएगी, ले भैया एक गिलास पानी लिया, जा रहा आराम से, ला रहा आधे घंटे में, तो उसमें कहाँ एनर्जी है, वो बेचारा वैसे ही बीता पड़ा। तो उस तरह से समझ सकते हो आप एनर्जी को, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक इसका भी जूल होता है, ठीक है। किसी वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति की तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, और वस्तु के भी काम करने की क्षमता होती है, क्या वस्तु में भी होती है, हाँ होती है, बताऊंगा वो भी, वस्तु में भी काम करने की क्षमता होती है। कैसे कि आप एक स्प्रिंग को न्यू खींच के रखो, न्यू बहुत तेजी से खींचो, बहुत बल लगा के, वो भी बहुत तेजी से वापस भागेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसमें भी काम करने की क्षमता आ जाएगी। जैसे आप किसी चीज को, मान लीजिए कोई तार है लोहे का, और उसे ऐसे सरिया है, उसको मोड़ के ऐसे करो, और वो फिर वहां ऐसे फेंक के मारता उसको, तो ठीक है, दूसरे आदमी उससे जो दूर भी खड़ा है उसको भी वो चोट कर सकता अपनी एनर्जी के कारण, तो वो वस्तु में भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ऐसा ही मात्र जूल होता है। अब कौन सी एनर्जी होगी वो बात बाद में करेंगे। दोस्तों कार्य और ऊर्जा में थोड़ा अंतर समझ लो। कुछ लोग सोचते होंगे कि कार्य भी वही चीज है और एनर्जी भी वही चीज है, नहीं, अब थोड़ा सा समझते हैं। वस्तु व्यक्ति में ऊर्जा होने पर, वस्तु या व्यक्ति किसी भी, किसी में भी ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है, नहीं हो सकता, बताओ, कोई वस्तु हो या व्यक्ति, व्यक्ति से समझते हैं, खूब तना खड़ा, खूब तना न्यू, और जब तक हम उसे कोई काम ही नहीं दे रहे, बेचारा यूं ही खड़ा रहेगा, यूं ही, तो उसने काम तो उसका तब भी तो शून्य हो सकता है जब तक उसने कुछ किया ही नहीं। अजी कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, किया कुछ है नहीं, तो शून्य हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा होने पर भी खूब भरा पड़ा ऊर्जा से, परंतु यदि वस्तु या व्यक्ति को कार्य करने की स्थिति में है वस्तु या व्यक्ति, तो उसमें ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। मान लीजिएगा अब वो कार्य करने की स्थिति, आपको बस ऑर्डर देने के दे रहे, वो भाग के जाएगा, तो उसमें ऊर्जा तो शून्य नहीं है, वो बेचारा जाने को तो तैयार है, वो कोई मंद गति से भी जाने को तैयार है, तो भी उसमें ऊर्जा तो शून्य हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, काम शून्य हो सकता है। चलिए ये बात तो आपने स्पष्ट समझ के आ गई कि कार्य और ऊर्जा क्या क्या चीज है, दोनों अलग अलग, बिल्कुल। अब आप दिमाग में प्रैक्टिकली सोचना इन बातों को, इसको खुद समझ लिया तो समझूंगा आज का पढ़ाना सफल हो गया इस पॉइंट को। कार्य तभी माना जाता है जब वस्तु बल द्वारा स्थापित हो, विस्थापित हो। कार्य तभी माना जाता है कि नहीं, जब बल द्वारा थोड़ी बहुत विस्थापित कर दी गई हो तो ही काम होगा, नहीं तो काम को कोई मानेगा ही नहीं। जबकि बहा बल के द्वारा वस्तु के आकार या स्थिति में कोई परिवर्तन करके ऊर्जा संचित की जाए, स्थिति या उसके आकार में कोई परिवर्तन करके उसका में कोई ऊर्जा संचित कर दें, तो क्या होगा, वो वहाँ पर संचित की जा सकती है, जबकि कार्य ऐसा नहीं किया जा सकता था। अभी मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, देखिए
स्प्रिंग का मैंने एग्जांपल दिया, तो वस्तु के आकार में आपने पहले स्प्रिंग थी, बहुत पास पास थे उसके छल्ले, आपने दूर कर दिए, तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित कर दी कि अब वो चोट कर सकती है किसी को भी, जो भी उसके बीच में उंगली डालेगा भींच ही देगी बिल्कुल, तो वो हो गए उसमें ऊर्जा संचित। अब स्थिति के कारण कैसे संचित हो सकती है, मान लीजिए इस पेन को मैं यहाँ रख दूँ, देखिए अगर ये पेन नीचे पड़ा है धरती पर तो इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं है, लेकिन अगर इस पेन को मैं यहाँ रख दूँ तो अगर मैं हाथ हटाऊँगा तो इसकी ऊर्जा आपको साफ नजर आ जाएगी, ऊर्जा थी, हाथ हटाया तभी तो नीचे भागा, तो इसकी स्थिति अगर नीचे पड़ी है तो कुछ नहीं है, आपने स्थिति बदल के थोड़ा ऊपर कर दिया तो इसमें ऊर्जा आ गई, तो ऊर्जा ऐसे संचित कर दी जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा और कार्य की बातें आपको समझ में आई, दोनों में अंतर समझ में आया, जबकि कार्य में ऐसा कुछ नहीं कि स्थिति चेंज कर लो, आदमी को जब नकारा बनना है ना, आज इस साइट पर लगा दो कल उस पर, वहां भी वो नकारा ही रहेगा, लेकिन एनर्जी की बात ही अलग है। चलो टाइप्स ऑफ एनर्जी, थोड़ा एनर्जी बड़ा है, जो शक्ति पावर है ना वो बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, तो एनर्जी को पढ़ लेते हैं ढंग से। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक स्थिति ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दोनों को याद रख लीजिए। वैसे तो एनर्जी बहुत तरह की होती है, ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है, विद्युत ऊर्जा भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक में भी एनर्जी होती है, चुंबकीय ऊर्जा भी होती है, परमाणु नाभिकीय ऊर्जा भी होती है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण ऊर्जा, तो बहुत सारे टाइप, लेकिन मुख्य रूप से अगर बांटा जाएगा सभी एनर्जी को तो सिर्फ दो ही तरीके की है, एक स्थितिज ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अपनी किसी भी पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझाता हूं अभी, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये है, ये पूछे गए हैं एग्जाम में, और इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कहिए कि ये यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा बन जाती है, स्थिति के कारण हो या गति के कारण हो, जो भी ऊर्जा होगी वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी, अर्थात ये यांत्रिक ऊर्जा के ही पार्ट कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं बोलूं कि भाई देखिए स्थिति के कारण कैसे ऊर्जा हो सकती है किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में। मान लीजिए रबड़ है, रबड़ में आपने ऐसे किया, ऐसे खींच दी रबड़ ऐसे, और किसी के कान पे लगा दी तो चोट कर देगी कि नहीं, ऐसे छोड़ दी, मतलब ऐसे इस हाथ में पकड़ी ऐसे खींची और यूं छोड़ दी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ किसी के कान पे कोई ना कोई चोट तो कर ही जाएगी। ठीक है, तो वो जो चोट करी है वो किस कारण, क्योंकि उसमें ऊर्जा आपने भर दी थी, संचित कर दी थी, तो स्थिति के कारण। ठीक है, अपनी स्थिति के कारण, क्योंकि स्थिति पहले ऐसी थी अब ऐसी कर दी तो ये जो संचित कर दी। ठीक है, चलिए स्थिति ये भी है, हालांकि वो गतिज ऊर्जा भी कह सकते हो, अपनी गति के कारण उसने चोट मारी, गति कहोगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन ये स्थिति ठीक है, जमीन पे पड़ी है इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, स्थिति थोड़ी सी ऊंची कर दूं तो और ऊर्जा, और ऊपर कर दूं तो और ऊर्जा, ये कैसे पता चली, पेन टूटा तो नहीं। चलो पी बराबर यू से भी डिनोट कर देते हैं इसको, यू बराबर एम जी एच। अब देखिए एच जो है नीचे थी, देखो एम भी था इसमें, वजन भी है, एम भी है, जी भी है, गुरुत्व 9.8 ये तो फिक्स ही है, तो ये तो वजन है दोनों मिला के। अब इसके वजन को नीचे रखोगे ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर रख दिया एच बढ़ा दी तो ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं, और एच बढ़ा दूं तो एच की और ज्यादा की गुणा हो जाएगी इसमें, और ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो जितनी एच बढ़ाओगे उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, और लेकिन जब ये धरती पे पड़ा तो एच जीरो थी, तब ये जीरो होती है जब जमीन पे पड़ी रहती है कोई वस्तु। ठीक है, तो तब आपकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, एच बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अब मान लीजिए उसका वजन बढ़ा दें, एम बढ़ा दें, द्रव्यमान बढ़ा दें, तो स्थितिज ऊर्जा का फर्क पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। देखो इसको बहुत ऊपर यहां रखूं और मैं इसके नीचे बैठ जाऊं तो मेरे सर पर हो सकता है थोड़ी सी चोट करे, बहुत ऊपर इसको रख दूं तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी, हो सकता है ज्यादा चोट करे, लेकिन अगर इस वजन की जगह मैंने अब 2 किलो का बाट ले लिया और मैं यहां से अपने सिर पर गिरा लूं तो शायद बचूंगा ही नहीं,
करनी है आपको पढ़ाने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई एम पर भी डिपेंड करती है, एच पर भी डिपेंड करती है, लेकिन जी तो फिक्स ही रहता है। द्रव्यमान ज्यादा का लोगे ज्यादा एनर्जी रहेगी, कम का लोगे कम की रहेगी। तो कुल मिला के स्थितिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई। स्थितिज ऊर्जा कोई भी चीज है, ठीक है। अब देखिए गतिज ऊर्जा, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, तो उसमें गतिज ऊर्जा कहलाती है। कोई भी चीज गति के कारण जो चोट करे, मान लो झूला है, झूला हमने ऐसे कर दी, उसकी स्थिति देखिए ऐसे बदल दिया हमने उसका, ठीक है, झूले का पकड़ के और बच्चा बैठा उस पर यूं, ठीक है, जब झूला एक जगह था कुछ नहीं, लेकिन अब झूले ने ऐसे छोटा मारा ना उसमें, और कोई भी आगे खड़ा ले जाएगा उड़ाएगा अपने साथ, तो कुछ ना कुछ तो चोट कर ही जाएगा बहुत तगड़ी वाली। तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है वो गति ऊर्जा कहलाती है। और भी एग्जाम्पल दूं, ये तो कोई भी एक्सीडेंट के मामले सब इसी पे आधारित हैं, अब आप देखिएगा। लेकिन द्रव्यमान इतना डिपेंड नहीं करता, अगर गति है ना उसमें तो ज्यादा चोट कर जाएगी। कैसे, मान लो ट्रक ही है, ट्रक बहुत धीमे धीमे आ रहा है, बहुत धीमे धीमे, और आपसे यूं टकरा गया, तो आप कह रहे कैसे ऊपर ही चढ़ाया गया ऐसे करके, तो हो सके थोड़ी बहुत चोट, धीरे धीरे आ रहा बिल्कुल। लेकिन अगर कोई साइकिल भी है, हमने द्रव्यमान बहुत कम कर दिया, ट्रक के मुकाबले साइकिल का बहुत कम है, लेकिन गति बहुत तेज बढ़ा दी और आप में उसने टक्कर मार दी, हो सके आप गिर भी पड़ो और चोट भी लग जाए, कान वान भी टूट जाए, क्या पता खून वून भी निकल आए, तो भाई वो सब मतलब, क्योंकि इसमें जो वी है ना, वी स्क्वायर में काम करता है, पांच का वेगा तो 25 का काम करेगा, ये पांच का ही करेगा, अगर पांच है तो पांच का ही काम करेगा, ये पांच है तो 25 का काम करता है, इसलिए वेग पे ज्यादा डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। चलिए बात समझ में आ गई होगी, और आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज है आज का, कि भाई एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, उनको मैं आगे बता दूंगा, हालांकि मैं अभी भी बता देता हूँ, सौर ऊर्जा भी एक एनर्जी है। सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। यांत्रिक ऊर्जा, जो गतिज और स्थितिज के कारण जो ऊर्जाएं होती हैं वो यांत्रिक ऊर्जाएं कहलाती हैं, अभी बताया था, मैकेनिकल एनर्जी। और ये एक हीट से भी एनर्जी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है, ये कौन सी ऊर्जा है, ये ऊर्जा भी होती है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे अब हम यहाँ, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यांत्रिक तो हम पढ़ ही रहे हैं, सौर के भी आप पढ़ते ही रहते हो, जितने भी ये लग रहे हैं सोलर वोलर के प्लांट व्लांट, सब सौर ऊर्जा ही तो है। और ऊष्मीय ऊर्जा, देखिए शरीर के अंदर घुस जाए तो वो थोड़ी हीट पैदा करती है, बाहर निकल जाए थोड़ी ठंड पैदा करती है, वो इस टाइप की ऊर्जा होती है, ठीक है। और आगे प्रकाश ऊर्जा, ये कैसी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा ये देखिए, जब वस्तुओं को जो देखने का काम करवाती है ना, वो यही ऊर्जा करवाती है, इसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ये ऊर्जा ये काम करती है, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा, कोई चुंबक दूर से ही अपनी तरफ चिपका लेती है वस्तु को और छोड़ती नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ता है तब छूटती है, इसका मतलब उसमें कुछ एनर्जी है तभी तो वो दम लगा पा रही है, तो दम लगाने को ही तो एनर्जी बोलते हैं। चलिए ध्वनि ऊर्जा, जो ध्वनि के कंपनों की वजह से ही हम कोई चीज सुन पाते हैं, उस ऊर्जा की वजह से ही, साउंड वेव पूरा पढ़ेंगे आगे। नाभ की है ऊर्जा, नाभिक में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनके कारण ही नाभिक में ऊर्जा होती है, आगे आधुनिक भौतिकी में ये चीज भी पढ़ेंगे। चलिए, और ऊर्जा का रूपांतरण, ये बहुत अच्छा है, ये ट्रांसफॉर्म होती है ऊर्जा, एक से दूसरे रूप में ट्रांसमिशन होता है, इसका मतलब कोई ऊर्जा ऐसी भी है जो यांत्रिक से विद्युत में बदलती है, कुछ विद्युत से यांत्रिक में बदलेंगी, वो सारी बातें, कौन किसका किस में बदलता है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बहुत बहुत, इसलिए इसको अगले वीडियो में कराऊंगा। थक गए होगे, थोड़ा रेस्ट ले लो, ओके बाय बाय। अच्छा लग रहा हो तो आगे तुम्हें बता क्या करना, ये बटन होता है ये नहीं, ठीक है, बाय।